सत श्री अकाल जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वीडियो बहुत ही वायरल सी हो रही है ये एक वीडियो। सो वीडियो का टाइटल है उर्फी जावेद सेड इस्लाम इज टू ओल्ड नो वन फॉलो। तो भाई ये बीच में डॉक्टर सारा मंजी की वीडियो अभी होने वाली है, तो हम ले रहे हैं निधि शर्मा की कलाई रिएक्ट्स की वीडियो। तो देखते हैं भाई उर्फी जावेद क्या कहते हैं। और उर्फी जावेद भाई उन्होंने जो कल्चर का या जो उन्होंने मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस है या उनका जो फैशन है वो भाई दुनिया से हट के ही है, अजीब ही है भाई। मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आता लोग उस चीज़ को सपोर्ट क्यों करते हैं, इतना इतनी ज़्यादा सराहना क्यों करते हैं उस फैशन की। तो बाकी फिलहाल भाई हर एक को हक क्या अपना हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। सो बाकी देखते हैं कि उर्फी जावेद का क्या कहना है इसके ऊपर। सो करें बोले आज के टाइम में ना हर कोई मैं तो ये लिख के दे सकती हूँ, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, पर रिलीजन में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर यू नो बताते हैं ना, मतलब मेरी नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई आंसर। आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट। बस है तो है, हर रिलीजन का यही है। अब ये है तो है और आप पूछो क्यों, नहीं पता। अब जैसे इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज्यादा सुनना चाहिए, क्यों? रीजन, आई डोंट नो व्हाई, आई विल गिव इट रीजन, बस हराम है। क्यों हराम है? जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएं, कहें कि हमारा रब अल्लाह है, जी बिल्कुल, फिर उस पर जम जाएं, जी उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, ना कोई गम करो ना खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता है, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए ना कोई खटका ना कोई खतरा ना कोई खौफ ना कोई हुजन, कुछ नहीं। जो कुछ हो रहा है किसके इज्न से हो रहा है? अल्लाह के इज्न से। अल्लाह के इज्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। हुक्म, ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला आ रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, ना मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीय बसीर खुदा है, वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपना है, मददगार है, हिमायती है। बताइए जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपना, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उसे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है, उस गरीब किसान की के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का, कोई मेरी भैंस खोल कर ना ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर ना ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बचिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहां का सरदार जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ
नहीं रह जाए। किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई, ये ईमान का हासिल है लुबे लुबाब। कि देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शायद जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारी कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे, इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने, ये सब कुछ क्यों करता है इंसान जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गजन पहुंचा सकता है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरा कोई काम बना सकता है, ये मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है, इसी का नाम शिर्क है। जहां आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है, वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये, जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है, कलमा है ये कलमा सोम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए इस पर, कोई ताकत नहीं। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। ग्यारहवीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग हैं जानते हो? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई हैं, मैं ये अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती, इतनी ऊंची नसीहतें हैं। ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को जहन नशीन कर ले, ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह, इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह, किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह ना चाहे, आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे, पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे, जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे, कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबीने जबीसाई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन सर पर, जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह, नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है, प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज्न से। खाना भूख मिटा देता है, भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज्न रब में है। देखिए यही यकीन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, वाकया याद कीजिए, सामने समंदर आ गया है, कौम देखती है पीछे के गर्दो गुबार का तूफान है, मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया है। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए, और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा? ए मूसा इन्ना ला मुद्रकून, ए मूसा हमको पकड़े गए। कुरान मजीद ने तो यहां वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में यह दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तों गरीबान हो गए मूसा के साथ, मूसा हमें यहां मरवाया लाकर, इससे तो हम ही बेहतर थे, वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी,
अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना ला मुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है, कल्ला इन्ना मअया रब्बी सयहदीन, नहीं मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। ग्रेट, बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब, रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है, जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है। तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइलों जराए ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? तो रास्ता था समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना मअया रब्बी सयहदीन। अब देखिए ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम एनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ, गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया ये है कि भारी भारी नज्मों पर और कसीदों पर भारी है, तवील तरीन नज्में और कसीदे हों उन पर भारी है। हिम्मत अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राचू अब्र, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सींचने वाली है। सानिये इस्लामो गारो बद्रो कब्र, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर फरमाते सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं, दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहां ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले हैं कि हजरत अबू बकर पहले हैं, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तत्वीक कायम की है उलमा ने और बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले है, उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, ख्वातीन में सबसे पहले खदीजा, और गुलामों में सबसे पहले जैद इब्ने हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए वलियत है। और वाकया यह है कि अगर जमानी एतबार से तायुन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रजी अल्लाह ताला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था। किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया। वाकया किसका है? वो खदीजा का है। जब कहा है कि खशी तो अला नफसी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा? वो सिद्दीकतुल कुबरा है, सिद्दीकात जो है खवातीन उनमें चोटी पर खदीजतुल कुबरा है रजी अल्लाह ताला अन्हा, और सिद्दीक जो मर्द हैं उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन सिद्दीकात में चोटी पर। जब हुजूर ने फरमाया खशी तो अला नफसी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा, आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप मसाकीन के तकालीफ रफा करने वाले हैं, आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा, ये यकीन है उस खातून के अंदर। खैर वो एक अलहदा बात हो जाएगी। मेरे दिल पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला की शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श है, जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा। बहरहाल इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अव्वलियतें जमा कर दी हैं,
हिम्मते ऊ किश्ते उम्मत राचु अब्र सानिये इस्लाम ओ गारो बद्रो कब्र। इस्लाम में हुजूर के बाद पहले कौन? अबू बकर। गार में हुजूर के साथ कौन? बकर। बद्र की रात अल्लाह का रसूल सरबसजूद, वो झाड़, वो घास फूस की जो झोपड़ी बनाई गई थी, और वहां तलवार नंगी लेकर पहरा देने वाला कौन? अबू बकर। और उस हुजरे आयशा में मोहम्मद के बाद सबसे पहले दफन होने वाला कौन? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो मामला मैं सुना रहा था गार सौर का, हजरत अबू बकर भी हुजूर के ख्याल से लरस गए हैं। आपको याद होगा कि जाकर पहले तमाम जितने सुराख थे उन्हें बंद किया है, एक सुराख रह गया था जिसको बंद करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, वहां अपनी एड़ी रखी है। तब कहा है हुजूर से तशरीफ लाइए, और अपने जानू पर हुजूर को लिटाया है, और वहां किसी मूजी जानवर ने काटा है, हुजूर की आंख लग गई थी उस वक्त, उस बिल के अंदर जो भी बिच्छू है क्या है वल्लाहु आलम उसने काटा है। उसकी तकलीफ की वजह से अबू बकर की आंखों से आंसू टपक गए, हुजूर के चेहरे मुबारक पर पड़े हैं, तो हुजूर जाके जागे हैं, मामला क्या है? एड़ी नहीं हटाई वहां से, मबादा वो जानवर वहां से निकलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई गजन पहुंचा दे। अबू बकर की एड़ी है, जिस तरह चाहे खा ले, खत्म कर दे, जान निकल जाए तब कोई आंच आए मोहम्मद पर तो आए, लेकिन जीते जी नहीं। वो है अबू बकर हुजूर के ख्याल से उस वक्त। हुजूर ने फिर अपना लुआब दहन लगाया है, और उससे फिर आपकी तकलीफ खत्म हुई। जैसे खैबर में हजरत अली की आंख दुख रही थी, उसको जो शिफा हासिल हुई है वो भी हुजूर के लुआब दहन से हुई। तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने कहा है कि ऐ नबी या रसूल अल्लाह, अगर इस वक्त इनमें से किसी ने गैर इरादी तौर पर भी अपने कदमों की तरफ झांक लिया तो पकड़े जाएंगे। क्या जवाब था अल्लाह के रसूल का? ला तहजन इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, क्यों घबराते हो अबू बकर? ये है ईमान बिल्लाह, मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राजिक अल्लाह, मेरा मुहाफिज अल्लाह, मेरा मददगार अल्लाह, मेरा पुष्ट पनाह अल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह। ये दोस्ती है अल्लाह की, जो लुबे लुबाब है, हासिल है ईमान का, इसी का नाम विलायत है। औलिया अल्लाह के सरों पर सींग नहीं होते, जिसके दिल में ईमान राशिख हो चुका हो वही अल्लाह का वली है, जिसे अल्लाह पर यकीन हो चुका है वही अल्लाह का वली है, जिसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, मेरा मददगार, मेरा पुष्ट पनाह, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा महबूब, मेरा मुहिब। अल्लाह अहले ईमान से मोहब्बत करता है। والله يحب الصادقين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص। अल्लाह मोहब्बत करने वाला, अहले ईमान महबूब, और अहले ईमान मोहब्बत करने वाले अल्लाह महबूब। والذين امنوا اشد حبا لله। आप तसव्वुर कीजिए, जिसे ये रिश्ते ईमान या रिश्ते विलायत हासिल हो जाए, अला ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون। आगाह हो जाओ, अल्लाह के दोस्तों के लिए ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न है। तो गाइस ये थी वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद जी की, और इसमें उन्होंने ये बताया था कि खुदा अगर इंसान के साथ चल पड़े भाई, सोचो उसको किसी मुश्किल की वो जरूरत नहीं होगी, मतलब उसको कभी जिंदगी मुश्किल आएगी नहीं भाई। अब हम आप उन पे छोड़ दो सारा, सही बात है, वो ना चाहे आपको कोई यार लाइफ में पत्थर तक नहीं मार सकता, अगर वो ना चाहे भाई, सारा का सारा उन पे डिपेंड है। हम फिर भी उनकी ना फरमानी कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट चीजें कर रहे हैं, जो चीजें नहीं करनी चाहिए भाई वही चीजें करते हैं हम। और इसमें उर्फी जावेद का तो ये बताया गया था कि वो रिलीजन को फॉलो नहीं करती, उनका ये बोलने का तरीका कि मैं किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, आजकल ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। बट मेरे ख्याल से ये कि हमें रिलीजन को कभी भूलना नहीं चाहिए, रिलीजन तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए जो भी चीजें लिखी, क्योंकि रिलीजन आपको सिखाता है आपस में रहना, आपस में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपके कर्मों के बारे में, एट दी एंड क्या होगा आपका, वही चीज सिखाता है। तो सभी बेस्ट बन के रहो। और ये चीज़ एक सोचने वाली बात है कि भाई अगर जिसके साथ खुदा चल पड़ा भाई, मैं थोड़े दिन पहले मम्मी से बात कर रहा हूँ, अच्छा मम्मी आकर अगर भगवान मेरे पास आ जाए, मेरे को बोले कि अगर तूने किसी को बताया तूने मेरे को देखा तेरे को मार दूंगा, मैं क्या करूँगा? मम्मी बोलते तू बताना मत किसी को, है ना, सोचने वाली बात है। फिर तो भाई मतलब अगर सपोज मेरे को मिल जाते हैं खुदा, वैसे तो किसी को मिल नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा मतलब
पॉसिबल चांस होगा, जो कि बिल्कुल खुदा की लगन में ही लगा होगा भाई जिस शुरू से ले गया ना, तो उसी को मिल सकते हैं, वही देख सकता है। या अभी तक प्रोफेट मूसा ने नहीं देखे, वही देखने लगे तो एक पहाड़ के आगे नूर आ गया था ना, कोहे तूर के आगे, तो आप सभी को पता ही है वो किस्सा भी। तो बंदा भाई क्या बोले अभी इस चीज़ के बारे में। सो बाकी तो ये वीडियो, होप सो गाइस, थैंक यू, क्या बोल रहा हूँ, सो गाइस आपको पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।